आज का वक्त ऐसा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने आप को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से कम नहीं समझता। अगर वो सरकारी नौकरी में है और आपसे अगर कोई आपने कोई सवाल कर दिया तो इस तरीके से बात करेगा जैसे कि वो प्रधानमंत्री है या प्रधानमंत्री का औलाद हो। और अब एक एग्जांपल ले लीजिए, सफाई कर्मचारी वो सड़क पे झाड़ू लगाने वाला, ठीक है, आई रिस्पेक्ट द एवरी पोजीशन, बट अगर आप मुझे ये कहेंगे कि यहाँ से ये चीज़ कर लो, यहाँ से ये कूड़ा हटा लो, या यहाँ पे अपनी जो ट्रॉली या बगी टाइप में जो होती है उसको यहाँ नहीं रखो, तो आपसे इस तरीके से अगर के बात करेगा जैसे कि आप उसके नौकर हैं, बल्कि नौकर वो है, नौकरी वो कर रहा है, वो हमारे लिए सरकार ने उसको तैनात किया है, लेकिन वो आपको ऐसे बात करेगा जैसे कि उसने आपको नौकरी पे रख रखा है, उसके उसका रोड है और सरकार ने उसको परमिट दिया है कि वो किसी भी इंसान को कहीं पर भी किसी भी तरीके से अपना काम कर सके। अब इनका काम होता है सुबह सुबह, जबकि कम ट्रैफिक होता है, कम लोग होते हैं, लेकिन ये लोग उस समय लगाएंगे जिस समय कि लोग आओ जा रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, लोगों को परेशानी होती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है इंडिया में ही होती हैं और हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इस वजह से ये लोग इतने अकड़ते हैं, हम लोगों की नौकरी करते हैं, हम लोगों के टैक्स के पैसे से इन लोगों को सैलरी मिलती है, लेकिन ये हम पे अकड़ के बात है। इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, आप समझिए, समझाइए और लोगों को उनकी औकात बताइए कि वो सिर्फ नौकर हैं,